हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्कूल। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो आज हम लेकर आए रजत बार की दोस्त वीडियो। 12 और 13 साल के बच्चों ने वायर होने के लिए कर लिया बाल विवाह। ओते पहले सरकार क्या कुछ नहीं करती थी बाल विवाह रोकने के लिए। 2 3 गो। उनको नींद ना जाए और इसको देखो बढ़िया बैठा हुआ है। तेरे पिछवाड़े में कीड़े नहीं काट रहा है, तेरा दौड़ने का मन नहीं कर रहा, पैर में खुजली नहीं मच रही तेरे। शायद बेचारा निब्बी का वेट कर रहा है कि वो फ्री हो जाए, फिर साथ में दौड़ेंगे दोनों। पहले मैं सोचता था क्या पागल लोग है बाल विवाह कर रहे हैं, अब मैं सोचता हूँ कहीं हम तो पागल नहीं है जो बाल विवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो बचपन में शादी हो गई और जो हमारे बराबर के थे उनकी भी शादी हो गई, उनके तो बच्चे भी हो चुके हैं। तो कहीं मम्मी की बात सच ना हो जाए कि शादी करने में ज्यादा लेट हुआ तो शादी ही नहीं होगी। पर मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, internet.com का जमाना है, जब इन निब्बा निब्बियों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल सकते हैं तो मैं तो फिर भी मुझे टकले लड़के बहुत पसंद है। टकले लड़के? मैं टकले लड़कों से बहुत प्यार करती हूँ। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये प्यार कर रही है या बाल उगाने का तेल बेच रही है कि सिर्फ टकलों को ही बेचूंगी। और टकल खजूरी थोड़ा अच्छी डिमांड रख जो एटलीस्ट कोई पूरा कर पाए, वरना अगर सारे टकले लोगों से प्रेम करोगी तो कॉलोनी में निकल के देखो सारे अंकल टकले ही टकले। हाँ। इतने टकले मिलेंगे कि तेरा टकला प्रेम खत्म हो जाएगा। टकला प्रेमन मुझे फ्री की लाल प्रेम लड़की बहुत पसंद है, मैं सराबियों से बहुत प्यार करती हूं। आई लव यू सो मच ये लड़का ढूंढ रही है, लड़का बर्बाद करने आई है। टकला चाहिए, दारूबाज चाहिए, सटोरी चाहिए। कल को बोलेगी लड़का तो वही चाहिए जो वहाँ पे मुँहता हो, जहाँ लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, मैं उसी से शादी करूंगी। और अगर दारूबाज चाहिए तो ठेके पर जा दारू पुत्री, यहाँ पर हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। ओए बाबू। अरे आंटी तुम फिर आ गई, पर आंटी के इंटेंशन गलत नहीं है, वो जो बाबू बोल रही ना, वो जो बच्चे को बोलते है ना, वो वाला है। आंटी इस उम्र में बाबू सोना थोड़ी करेंगी ना, नको बिल्कुल नहीं। मतलब कैसी उलझलूल बातें कर रही है, दिल फिट नहीं करवाया आंटी, वो पहले से अंदर ही था और दिल धड़काया क्यों का क्या मतलब है, दिल धड़काऊ नहीं अपना, रोक दू धड़कने, मर जाऊं धड़कने रोक के अपनी, है कौन सा कपूर सूंघ के आई हो आंटी। मैंने भी अर्ज किया है, ओए बाबू नहीं नहीं नहीं, ओए चाचा चौधरी के साबू, जब पत्ती तोड़नी नहीं थी तो पीछे झाड़ क्यों लगाया, जब बकवास ही करनी थी तो पीछे सूरज क्यों उगाया, और जब तुम्हारे बाबू ने ये सब सुन के कर दिया तुम्हें ब्लॉक तो ये बकवास हमें रील पर क्यों दिखाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ऐसी ही आंटियां होती हैं जो शादी के बाद अपने पति को भी ये रील का कीड़ा लगा देती हैं और फिर वो ऐसी हरकतें करता है। शिट यार, भगवान का नाम लेके बच गया। इस वीडियो में तो तुझे कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं राम भगवान की वजह से, बाकी तुझे मैं किसी और वीडियो में देखूंगा। और अभी जब राम मंदिर बना है अयोध्या में, भाई साहब क्या भयंकर हाइप है उसकी, मतलब अभी तक लाखों में भीड़ जा रही है मंदिर में, और फाइनली अब मंदिर बन ही गया, सब बढ़िया से हो गया, पर क्या क्रेजी हाइप था। और इसी बीच में 2017 का एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर ने 2017 में प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2024 के जनवरी में राम मंदिर बन जाएगा। 2017, इतना पहले ऐसा कुछ प्रिडिक्ट करना और वो सच भी हो गया। मैं सुन तो लूंगा भाई, पर मेरे प्यारे सूरजमुखी मैं तुझे ढूंढने नहीं आया और शायद तू भी मुझे ढूंढने नहीं आया होगा यार। आप जी। अच्छा चल ठीक है मेरा चमचोले आलू, बोल बोल। मुझे ना आप बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे शादी करेंगी। ये क्या हो रहा भाई इंस्टाग्राम पर, ये खुलेआम लड़कों की इज्जत पे हमला क्यों हो रहा है, और एक तो ये सुने सुने करके सुनवाएगा और फिर ये सुनवाएगा, और ये अच्छी लगती है का क्या मतलब है, मैं सीखी हुई मूंगफली हूँ जो अच्छी लगती हूँ बोल रहा है। और हाँ शादी करेंगी, शादी के लिए लड़की का हाथ मांग रहा है, फुल्की वाले भैया से सूखी एक्स्ट्रा फुल्की की भीख मांग रहा है, कैमरा में घुसे हुए जग्गू मोहन। और वो तो अच्छा हुआ ये वीडियो मेरे सामने आई, कोई लड़की बेचारी देख लेती तो दो बार फिनाइल से अपना मोबाइल धोना पड़ता उसको, शायद ये भी वो लव गुरु से सीख के आया है। अरे पर मैं लड़की को के पागल होने पे मजबूर क्यों करूं, या हाउ टू इंप्रेस अ गर्ल सिखा रहा है या फिर हाउ टू गेट रिड ऑफ अ गर्ल सिखा रहा है, क्या मुंह मार के आया है भैंस की पूंछ में, ऐसा कैसे सोच लेता है इतना उलझलूल मेरे भाई। आपको बोलना है नहीं गया तो बोलेगी क्यों नहीं गया, आपने बोलना है वहाँ गिर गया था और वहाँ लगी मेरे। पहले तो भाई मैं ये जानना चाहूंगा ये कौन सी लड़की है जो ये सब सुन के हंस हंस के पागल हो रही है, यहाँ पे गिरा था वहाँ पे लगी थी, लड़की बोलेगी बाथरूम में गिरा होगा सूजे हुए नोबी था और तेरे पिछवाड़े में लगी होगी। पर यार सही बात है, इतनी आसानी से किसी को जज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट पूरी वीडियो देख लेते हैं। बता बता बेटे बता, तो बोली कहाँ पे गिर गए थे और कहाँ पे लगी, तो आपको बोलना है बेड पे गिर गया था और आग लग गई थी मेरी, इसके बाद बोली अच्छा जी, आपको बोला हाँ जी। अरे यार भाई तू आज सुबह पलंग से क्यों नहीं गिर गया, तेरी याददाश्त क्यों नहीं चली गई, और
मतलब ऐसा उलझुल दिमाग चलने से अच्छा बंदे का दिमाग ही ना चले, मैं तो कहता हूँ। जैसे इस बिचारी का नहीं चल रहा ब्रेकअप के बाद, राजू दिल के बताएं कैसे, बताएं कैसे, रोते रोते रील बनाई ना जैसे मुंह से, जो छोड़ गए हैं हमें उन्हें बुलाएं कैसे, लेट मी सर्च ऑन गूगल किसी की वीडियो इंस्टाग्राम से हटाएं कैसे, भर लिया है मैंने अपने आँख में आंसू, दिल टूट गया है तो जोड़े कैसे। हम सब सुन पा रहे हैं दीदी, जो कंटिन्यू मैसेजेस की आवाज आ रही है, बेचारा ने बस सॉरी बोल रहा मैसेज कर करके, पर दीदी को तो रोते रोते रील बनानी है, और ये आंखों में आंसू भर लिया का क्या मतलब होता है, बाहर से भरे हैं क्या, इससे अच्छा मम्मी के लिए पानी का मटका भरती मम्मी भी खुश होती। और हाँ, ये जो पूछ रही है हमसे ये सब, हम तो सिंगल है, ये रिलेशनशिप की बातें हम बताएं कैसे। पर दोस्तों हम सब तो सिंगल खुश रह लेते हैं, कुछ लोगों से रहते नहीं बनता तो ये सब हरकतें भी करते हैं। पूरा आंखें बंद, तू समझा क्या किया तुमने, शादी कर लिया। ये वही बच्चे जिनने मम्मी के साथ बैठ के बचपन में सीरियल देख के सीरियसली ले लिया उसको, कि हीरो के हाथ से सिंदूर की डिब्बी उछली, हीरोइन के मांग में लगी और बस हो गई शादी। मतलब मेरे को अब तक लगता था शादी दो लोगों में होती है, ये अकेला करके जश्न मना रहा है शादी कर ली शादी कर ली। गाइस और भी डाल देते गाइस अनु के, अनु क्या हुआ, रोने वाली क्या बात है। अरे सही तो बोल रहा है बेचारा ने भाई, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो हर लड़की का सपना होता है, सपना पूरा करा उसने। हर लड़की सोचती है अपनी जिंदगी में कि मैं रोड पर जा रही हूँ, एकदम से एक अनजान निब्बा आए अपनी बाइक से और मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे अपनी बीवी बना ले। यहाँ पर होमवर्क की कॉपी पूरी भरते नहीं बन रही है, लड़कियों की मांग में सिंदूर भर रहे हैं निब्बे। और एक तो ये प्रैंक के नाम पे ये लोग कुछ भी कर देते हैं, इसने तो उसके मांग में सिंदूर की जगह मिर्ची भर दी थी बेचारी के, पर बेचारी भोली जनता इतनी भोली है कि उनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये स्क्रिप्टेड प्रैंक था। और फिर कुछ समय बाद ऐसे लोगों की शादी हो जाती है और वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। दोस्तों इंडिया के सड़कों पर मिलने वाले सबसे पेटू लोग, कितना प्यारा कपल है, बेचारी बीमार है शायद, कमजोरी है ना उसको, खुद से खाना पीना भी नहीं खा पा रही, उसका बॉयफ्रेंड कितना सपोर्टिव है यार, ओह सो स्वीट। नंबर टू, दोस्तों अब ये महाशय आते हैं जो खाने के मामले में तो चीन के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे भाई तभी सपोर्टिव मत बन, मतलब उसके मुंह में डाल दिया बहुत है, चबा लेगी बेचारी, ये घोल के हो रहा है बाहर से घोल के डाल देता इससे अच्छा, जब खिचड़ी बनाता होगा तो उसके मुंह में दाल चावल मसाले एक एक करके डाल के ऐसे घोलता होगा। पर कुछ भी हो बड़ा केयरिंग बॉयफ्रेंड है, बहुत केयर करता है उसकी, ओह सो स्वीट। उसको बिना पकाए खा जाता है और खून तो कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हैं। भाई तू आदमी है या मोजा, मैं तो तुझे यूजफुल हेल्पफुल समझ रहा था, तू तो बदबूदार निकला है। मतलब तुम खुद सोचो, पीछे इतना बड़ा घर है, वो क्या दिमाग बेच के खरीदा है, जो बर्तन खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इनके घर पे जब मेहमान आते होंगे तो दोनों अपना एक एक मुंह खोल के बैठ जाते होंगे, एक के मुंह में दाल एक के मुंह में चावल, मिला के खा लो मेहमानों। पर दोस्तों दुख सिर्फ यहां खत्म नहीं होता, इनके घर में सिर्फ बर्तन की कमी नहीं है, पैसों की भी बहुत कमी है, इस वजह से कपड़ों की भी कमी हो जाती है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं भारत के कुछ ऐसे विचित्र जुगाड़ू लोगों से, जिसे देखने और सुनने के बाद आप लोग भी यही कहोगे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। माना दोस्तों गाली देना गलत बात है, पर कुछ तो कारण है जो दुनिया में गालियाँ एग्जिस्ट करती है। मतलब तुम सोचो ऐसे लोगों को देख के इंसान और क्या ही बोलेगा, कि वाह बच्चों कितनी मेहनत चल रही है इज्जत और कपड़े दोनों फाड़ने के लिए, वाह वाह वाह। इन दोनों का बस चले सर्जरी करके एक दूसरे को आपस में चिपकवा ले, हगने भी जाएं तो साथ में जाएं, कि ओ मेला बाबू कितने अच्छे भजिए निकाल रहा है कल के, ओ बाबू। मुझे तो सही बताऊं दया आती है बिचारी के ऊपर, उसको हाथ धोना तक नहीं आता, पर बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है हाथ धुलवाने आ गया। पर मेरे भाई सिर्फ हाथ ही बॉडी का एक ऐसा पार्ट नहीं है जिसको धोना पड़ता है, बॉडी में और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो इंसान को धोने पड़ते हैं, और तू सारे के सारे धुलवा नहीं पाएगा ना, नक को बिल्कुल नहीं। और नॉर्मली जो कपल होते हैं वो किस करते हैं आपने देखा होगा, पर ये इसको खाता है, और वो भी अपने रूम में, आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं दुनिया को, ये विदेश में जाते हैं अपने देश का नाम डुबवाने। ये आदमी है या कुत्ता है तू, मतलब पानी वानी भी पीता है वो ग्लास से पी रहा है या निब्बी चंद कटोरे में भर के दे देती है वो भी चाट लेता है कर करके, क्योंकि मैंने तो अभी तक इनकी जितनी भी रील देखी है निब्बा भाई कुछ भी कंज्यूम नहीं करते जब तक वो निब्बी के थ्रू होके ना आ रहा हो, ये सांस कैसे ले रहा है वो एक बड़ा सवाल है। दोस्तों अक्सर बाजार के चटपटे स्वादिष्ट पकवान खाने में हमारा मन नहीं भरता, मन करता है बस खाते ही जाओ खाते ही जाओ, लेकिन दोस्तों कुछ लोग किस तरह से अपने पकवान को स्वादिष्ट बनाने खाते। दोस्तों आज हमने सीखा कि 5 मिनट में खत्म होने वाले जूस को आप कैसे 15-20 मिनट लगा के अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी को पार्टनर मिलता है, दो लोग शादी करते हैं, एक दूसरे की लाइफ इजी बनाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बोझ है, जहां 5 मिनट लगता है ये 5 घंटा लगाते हैं। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये लड़के की पहले दूसरी गर्लफ्रेंड थी,
ये उसके साथ भी ऐसी रील बनाता था। अब ये जब इंटरनेट पे ये सब डालता होगा, पुरानी वाली देखती होगी कैसा लगता होगा। ये इंटरनेट कपल्स की जिंदगी तुम सोच ही नहीं सकते, इतनी खतरनाक होती है। बाकी खतरनाक तो दोस्तों डरावनी मेरी जिंदगी भी है। जब अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो लाइक करें। आज के लिए बस। आप शादियां कर रहे हैं, फ्री में हो रही है क्या? क्या मतलब मेरी दहेज दे के भी? मुझे मिल गए ना किसी दिन, मैंने उनकी रिपोर्ट कर देनी है। कहाँ पर? मेट्रो में मुझे मिल गए ना किसी दिन। खैर मैं बाहर जाती नहीं इतना, पर बाय चांस गलती से मिल गए ना, मैं सच्ची में मैंने उसकी रिपोर्ट कर देनी है। मैं तो भगाओ ही नहीं यहाँ से, ऐसे नहीं देखा जाएगा। अपने घर में जो मर्जी करो। हाँ भाई आपस में, अरे वीडियो बना के देखो भाई, खुद देखो, डालो मत और हमें मत दिखाओ। और डाल भी तो इंटरनेट बंद कर दो। पर्सनल प्राइवेट आईडी बनाओ, पर्सनल आईडी बनाओ, पर्सनल में डालो, फिर इतना नाम फेम नहीं मिलेगा ना। भले बदनाम हो रहे लेकिन नाम तो बन ही रहा है। अबे भाई ठीक, बहुत 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 इनको देख के लगता है हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इनसे इन्फ्लुएंस कौन से वाले लोग हो रहे हैं? कौन से लोग वो कमेंट कर रहे हैं आई लाइक योर वीडियोस? ठीक, आई लाइक योर प्यार, आई लाइक योर कपल्स, कपल बोल, सब गालियां दे रहे होंगे भर के, कोई नहीं बोल रहा हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।